जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हकाम ने तकरीबन 95 करोड़ रुपए मालियत की नकदी और शराब जैसी दीगर चीज़ें जब्त की, जिनका मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में लोकसभा की 5 नशिस्तों के लड़खड़ाने वाले इंतखाबात के दौरान वोटरों के जहनों को मुतासर करना था। जम्मू कश्मीर में हफ्ता को पोलिंग मुकम्मल हुई, जब अनंतनाग राजौरी लोकसभा में वोटिंग मुकम्मल हुई। इंतखाबी महकमा के अहदेदारों ने बताया है कि जहां जम्मू कश्मीर के 3 हलकों में वोटर टर्नआउट ने दहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं कुछ उम्मीदवारों की तरफ से पैसे, शराब और दीगर मुफ्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यूनियन टेरिटरी में वोटरों को मुतासर करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के ऐलान की तारीख से लेकर हमने अब तक 94.797 करोड़ रुपए की मालियत का मवाद और नकदी जब्त की है। हकाम ने कहा है कि पुलिस ने पैसों और मुफ्त की इस्तेमाल की चीज़ों को रोकने में सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार जो है वो अदा किया, क्योंकि इस मुहिम के दौरान 90.83 करोड़ रुपए जब्त किए गए। बताया गया है कि मुख्तलिफ नाफिज करने वाले महकमों ने नकदी शराब, मंशात और दिगर मुफ्त चीज़ें जब्त की हैं। महकमे के मुताबिक अहम जब्तियों में महकमा पुलिस ने 90.831 करोड़ रुपए की नकद जब्ती, महकमा इनकम टैक्स ने 42 लाख, महकमा एक्साइज ने 1.01 करोड़ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिल तरतीब 2.32 करोड़ मालियत की मंशात जब्त की है। चुनाव को यकीनी बनाने की कोशिश में हकाम ने 40 से जायद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की, जो मुबीना तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सी विजल इलेक्शन हकाम को ऐप पर 143 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 80 से ज़्यादा हल हो चुके हैं, जबकि बाकी हल करने के अमल में हैं। इलेक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों पर नज़र रखने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तामील को जांचने के लिए इंतखाबी हकाम ने जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में CEO ऑफिस में एक कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया था।